सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज फंक्शनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जा रहे हैं हम लोग शूट करने शोरूम जा रहे हैं। पहले जाके अभी शोरूम में बात करना है और डायरेक्ट हमको शूट करना है वहाँ पे गाड़ी का। तो पहले ऐसे करते थे कि एक दिन पहले जाके परमिशन ले लेते थे, बट अभी ऐसा सीन है कि जाते डायरेक्ट बात ही करेंगे एंड तुरंत अभी शूट ही कर लेंगे। तो अभी जा रहे हैं सुबह और इस चीज़ के लिए TVS का शोरूम है, वहाँ पे जाके शूट करते हैं। तो फटाफट गाड़ी को करते को स्टार्ट, झाड़ते गाड़ी को और निकलते हैं। तो भाई जैसे सेल्फी मीटर गायब, पूरा बैटरीज का जो होता है, बस भाई भगवान भरोसे चल रहा है अभी गाड़ी, क्योंकि बैटरी ओरिजिनली इसका लगा हुआ, मतलब स्टॉक बैटरी कंपनी से आया हुआ था वही लगा हुआ अभी तक, और वही अभी तक चल ही रहा है। और चेंज कराना है इसका बैटरी, तो फिर हम चार्ज भी करके देख लिए बट काम नहीं किया। तो जब तक कॉल स्टार्ट होता है फटाफट पूछ लेते हैं। गाड़ी सुबह से चली नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है। सुबह गए थे तो बाहर उसी से गए थे, ग्लैमर से। और ये देखो इसमें यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर है या शॉकर कवर जो बोल लो, ये लगवाया है। फोक प्रोटेक्टर नहीं है, शॉकर कवर है, फोक कवर है जो बोलो। इसका भी वीडियो शूट की थी बट पूरा अंधेरा के कारण वो अच्छा सा आया नहीं, तो एक बार फिर से शूट कर लेंगे और पहुँच लेते फटाफट गाड़ी को। मैं बताओ गैरेज में रखने का क्या फ़ायदा, जब इतना धूप पड़ ही जाता है। और भाई पीछे लगवाए थे न्यू टायर हमारे, इसका भाई 500 किलोमीटर भी नीचे कट आ गया टायर पे, कहीं पे है कट, अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे मिट्टी लगा हुआ है बट आ गया एक कट हम देखे थे। और सब हुआ यहाँ पे भाई, जो ईटा पत्थर रोड पे पड़ा था भाई, चोट लगा गंदा। और पेट्रोल भी लो है गाड़ी में, देखो ये ब्लिंक मार रहा है भाई, गंदा चोट लगा हाथ में, हड्डी हिल गया पूरा, करंट लग गया करंट। अब भाई साफ़ करने के लिए यूज़ करते जा रहे थे टाइम, माइक्रोफाइबर क्लोथ ही अपन खरीद के रखे बहुत सारा। और बाकी अपनी ग्रामर भी चलती है आज, अब चलाना इसको चालू किया हल्का फुल्का। और इसमें कुछ कुछ काम है मेरे को बहुत ज़्यादा, एक तो इसका ये इंडिकेटर ये वाला नहीं चल रहा क्योंकि इसमें आगे है पानी, वहाँ बन गया इसमें, तो इसको मेरे को चेकआउट करना है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा नहीं तो दूसरा मंगाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ इसका वो जो ये लगा हुआ है प्रोजेक्टर लाइट, ये भी नहीं जल रहा, इसका साथ अर्थिंग खुल गया, इसको भी ठीक करना है। और तो ऐसे को इसमें काम है नहीं, इसमें काम है इसका चेन वगैरह तो था वो तो टाइट करा लेंगे, बाकी मेरे को लगता है इसका थ्रॉटल में कुछ ज़्यादा प्ले आ गया है, होगा तो उसको थोड़े दिन बाद चेक करवा लेंगे। भाई सांस फूलने लगा क्योंकि भाई मास्क पहन के बोल रहे हैं। बाकी आपको अगर इसका मॉडिफिकेशन का वीडियो, ओ इसमें एक और काम था वैसे, ये क्लच देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइट हो गया, एकदम प्लेन है इसका, ये भी एडजस्ट करवाना है। इसका क्लच प्लेट ऐसे हम चेंज करवाया, 20,000 किलोमीटर हो गया था, अनचल गया था पूरा। तो बाकी अगर इसका मॉडिफिकेशन का वीडियो देखना है तो कमेंट करना, बना देंगे इसका एक मॉडिफिकेशन का वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, बहुत सारा मतलब लगा के खोली भी मॉडिफिकेशन ऐसा है। हाँ देखो कहाँ गया, चला गया भाई साहब, देखो मेरे को नेता बनवा देगा। हाँ याद देख रहा है, सेम पीजे मैं भी VR10 राइडर है। आ गया तुम भी वीडियो में है? आ गया तुम्हारा वीडियो में डाल देंगे तुम्हारा, डाल देंगे पक्का, ठीक है। आखिरी में बोलेंगे देखो भाई मोहल्ले के बच्चे लोग ऐसे ही भाई, यार सब लोग अच्छा से बोले तो अच्छा लगता है। भाई टाइम हो गया 4:14 हो गया, 4:30 तक पहुंच जाते हैं, तो लगभग 1-1.5 घंटा में शूट कर लेंगे 6 बजे तक, उसके बाद क्योंकि भाई अंधेरा हो जाएगा। भाई हाथ में गंदा चोट लगा, पूरा हाथ हिल रहा है,
और बाकी ये देखो यहाँ पे एक न्यू माउंट लगाए थे बट मेरे को ये यूज़लेस लग रहा है, नहीं होगा उसको बाद में उखाड़ देंगे। लगाए तो थे ये माउंट कि यहाँ पे 360 माउंट कर पाए, बट इससे भी जुगाड़ हो जाता है इसको ऐसे फोल्ड करके, पूरा मतलब भरा हुआ है यहाँ, फ़ोन होल्डर यहाँ, ये माउंट इधर, ये माउंट इधर, ये इसको क्या बोलते हैं फ्लैशर का स्विच इधर, फॉग लाइट के स्विच इस तरफ, थ्रॉटल कंट्रोल, मिरर्स पे ये लगा पूरा, मतलब मेरा हैंडल पैक्ड है। भाई फटाफट अब चलना पड़ेगा, अब देखो ऐसा सीन की जाना अपन को सवार घूम के भी आ सकते हैं 0 माइल आगे रख, बट वैसे रास्ता ख़राब है तो अपन लेकिन शॉर्टकट जाएंगे इधर से बाईपास से होते हुए सीधा निकल जाएंगे, सबसे इजी ऑप्शन में कोई लग रहा है, थोड़ा सा बीच में रास्ता ख़राब है उसके बाद तो ठीक ही ठीक है। और अभी लेके क्या क्या जा रहे हैं, देखो अपने पास गैजेट्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा है, माइक, कैमरा, DSLR, गिम्बल वगैरह सब है, बट मेरे को लगता है कि अब के टाइम पर शूट करना GoPro से ही ज़्यादा मेरे को फ़ायदेमंद लगता है, क्योंकि भाई एक तो हेलमेट पहने रहते हैं तो आसपास जो कोई देखेगा वो मेरे को वियर्ड नहीं लगेगा, पहला चीज़। दूसरा, आवाज़ हेलमेट है बहुत ज़्यादा क्लियर आएगा, और तीसरा चीज़ है भाई बिल्कुल रास्ता काट दी, और तीसरा चीज़ है कि GoPro में अच्छा क्वालिटी आता है, स्टेबलाइजेशन होता है, और जो व्यूइंग एंगल है वो अच्छा दिखता है GoPro में, और इसके अलावा मेरे दोनों हाथ फ्री रहते हैं तो बहुत इजीली हम सब कुछ दिखा सकते कर सकते हैं वहाँ पे, स्विचेस वगैरह अच्छा है वहाँ पे, आप फिर क्या बोलते हैं बाइक वगैरह को एडजस्ट करना, स्कूटी को कुछ कुछ करना, क्योंकि एक हाथ जब फ्री पकड़ लेते हैं एंड बाइक थोड़ा सा तो भारी होता ही है, स्टैंड हो गया, फ़ोन हो गया, संभाल के रखना पड़ता है, स्टेबल नहीं रह पाता भाई क्योंकि हेड पे ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो अगर क्या बोलते हैं स्टैंड पे लगा के वाला वीडियो हुआ तो तब फ़ोन यूज़ कर लेंगे, और अगर क्या बोलते मतलब अलग अलग पॉइंट का वीडियो दिखाना है, मतलब अलग अलग चीज़ें दिखाना है वीडियो में तब GoPro ही सही है। क्योंकि भाई अब टाइम चेंज हो गया, पहले होता था यार सब DSLR, पहले नहीं यूज़ तो अभी भी करते हैं ऐसा नहीं है, DSLR, मिररलेस वगैरह, सिम्बल्स, बट मेरे को अब उतना ज़्यादा ये नहीं लगता है, आई गेस कि अब फोन्स आर मोर प्रोडक्टिव देन बाइंग कैमराज, अगर आप देखें तो एडिटिंग भी फ़ोन पे हो जाएगा, फ़ोन पे ही शूट कर लो, फ़ोन पे ही से रिकॉर्ड कर लो, फ़ोन में स्टेबलाइजेशन सब आ गए, पहले क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हो गया भाई, हम तो बोलते सीधा एक आईफोन, अगर आपको कैमरा का यूज़ करना है, आपका कैमरा का ही प्रॉपर यूज़ है तो एक सीधा सा आईफोन ले लो, हम ये नहीं बोले कि भाई आईफोन ही, जब आईफोन नहीं लोगे तो बन नहीं पाओगे यूट्यूबर, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, मेरे पास खुद आईफोन नहीं है, बिना आईफोन का यूज़ कर रहे हैं इतना साल से, बस थोड़ा स्टेबलाइजेशन अच्छा है, अगर बजट है अलाउ करता है तो भाई एक आईफोन ले लो, नहीं है बजट तो यूज्ड भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पुराने मॉडल्स है 11 हो गया, 12 हो गया, अब तो शायद 15 आ गया है ना, हाँ 15 शायद आ गया, पता नहीं 13, हाँ शायद 15 आ गया है या 14 आया, पता नहीं साला, पता भी नहीं कौन सा आईफोन चल रहा है, 14 चल रहा है या 15 चल रहा है नहीं पता, तो अगर आप आईफोन पुराना भी ले लो ना 11 वगैरह भी तो भाई अच्छा काम करता है, बस स्पेस ज़्यादा लेना, 100 कम से कम भाई 128/256 GB लेना भाई, उससे कम नहीं वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईफोन है SD कार्ड तो लगता नहीं है, और आप शूट करोगे तो अच्छा खासा क्वालिटी तो बन ही जाता है, इसलिए कोशिश करना, वैसे हम भी अगर ट्राई कर रहे हैं, अगर एक यूज्ड आईफोन मिल जाए, 11 प्रो चाहिए ना, 11 नहीं 11 प्रो, तो पहले इसको पार करना होता है, हाँ हाँ तो क्या बता रहे थे, हाँ तो एक हम भी कोशिश करें एक यूज्ड आईफोन लेने का,
11 प्रो चाहिए मेरे को, अगर किसी के पास कोई अच्छा डील है तो बताना भाई। 11 प्रो चाहिए, और अगर 256 GB मिल जाए तो बहुत सही, क्योंकि भाई स्पेस का तो आईफोन में देखो SD कार्ड तो लगा नहीं सकते, तो जो रहेगा वो इसका इनबिल्ट ही रहेगा। और आईफोन का लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव, वो है उसका कैमरा और स्टेबलाइजेशन। मेरे को कोई मतलब नहीं है बाकी आईफोन से, बाकी मेरे को पता है कि आईफोन कितना झमेला वाला चीज़ है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं कनेक्शन करने में, ये करने में, वो करने में, बट सिर्फ उसका क्वालिटी अच्छा है इसलिए हम आईफोन लेना चाहते हैं। बाकी आई एम हैप्पी विथ माई एंड्रॉयड फ़ोन, चाहे वो 10-12-15 हज़ार का ही मेरा क्यों ना फ़ोन हो भाई। एक फ़ोन मेरा है, तो ऐसे हम दो फ़ोन यूज़ करते हैं, एक का कैमरा अच्छा है, एक का थोड़ा कैमरा ख़राब है। तो एक लिए थे, मतलब हो गया 6 साल होने को है, Realme 2 Pro है, और उस टाइम 128 लिए थे, 128 6 साल पहले, 5-6 साल, हाँ 5-6 साल हो गया होगा, और अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस फ़ोन में, आई एम हैप्पी विद। बस भाई कैमरा का वो दिक्कत है, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से कैमरा अच्छा था, बट अब तो दिन पे दिन क्वालिटी बढ़ते ही जा रहा है कैमरा का, तो ना उसमें स्टेबलाइजेशन और ड्यूअल कैमरा है सिर्फ। और एक लिए है फिर बाद में, हो गया उसका भी फ़ोन, तो मेरे को लगता है 2 साल से तो ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो वो है पोको M2 Pro। तो वो लिए थे भाई खुद से, मतलब खुद से जमा करके, पैसा जमा करके, थोड़ा कुछ अपने कैमराज वगैरह को, गियर्स वगैरह को सेल करके, थोड़ा यूट्यूब से आया था उसको मिला के लिए थे पोको M2 Pro। और वो फ़ोन भी लेने का एक ही मोटिव था भाई, उसका कैमरा अच्छा था उस टाइम भाई, जितना बजट था उस हिसाब से उस फ़ोन का कैमरा बहुत सही था, और उसका कैमरा में बहुत सारे फीचर्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो चार कैमरा है, और क्या बोलते हैं उसका यही फीचर है कि भाई उसका जो इनबिल्ट कैमरा उसमें माइक सपोर्ट करता है, और क्या बोल देते हैं, उसका इनबिल्ट कैमरा में भी माइक सपोर्ट करता है, और उसका प्रो मोड उसमें भी वीडियो वगैरह का भी प्रो मोड है, तो इसलिए बस वो फ़ोन लिए थे, और काफ़ी अच्छा वो फ़ोन भी है, बट वही है कि स्टेबलाइजेशन वगैरह उसका उस फ़ोन का भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई 10-15 हज़ार का फ़ोन में क्या है। और अगर देख लो एंड्रॉयड फ़ोन अगर तुम्हारा है जिसका स्टेबलाइजेशन वगैरह अच्छा है, कैमरा वगैरह अच्छा है, तो भाई कोई ज़रूरत भी नहीं है आईफोन लेने का। अब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं किस फ़ोन का क्या है, कैसा स्टेबलाइजेशन है, कैसा कैमरा फीचर्स है, तो भाई वो लोग तुम्हें खुद रिसर्च करना, बाकी मेरे को इतना पता है कि आईफोन का अच्छा है क्योंकि हम देखे हैं जानते हैं। अगर तुम्हारा कोई ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन जिसका ये सारे फीचर्स भी अच्छा, स्टेबलाइजेशन अच्छा, कैमरा अच्छा है, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है आईफोन पे भी पैसा लगाने का या मेरे लिए DSLR लगाने का, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, तुम चाहे किसी भी फील्ड का बात कर लो भाई, सिर्फ वो फ़ोन अब कैरी करते हैं ज़्यादातर से फ़ोन, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक वायरलेस माइक अगर दूर से करने वाले, नहीं तो भाई उसका भी ज़रूरत ही पड़ता, क्योंकि फ़ोन के अब जो इनबिल्ट माइक वगैरह भी, वो भी कहते हैं बलंगूर इनबिल्ट माइक वगैरह भी काफ़ी अच्छे हो गए, तो काफ़ी अच्छा वो वॉइस भी कैप्चर कर लेते हैं भाई। नहीं जैसे रोड के कारण भाई मेरा टायर कटता है, बताओ भाई 500 किलोमीटर पे नहीं चला टायर, उससे पहले कट आ गया, सिर्फ रोड के कारण, ऐसा सब रोड है। तो अभी पहुंचने वाले बाईपास के पास, और फिर इधर से अंदर ही अंदर होकर सब और जाना पड़ेगा, ये रोड बन जाए एक, और उधर सबौर की तरफ जो स्टेशन के पास रोड है, तो भाई जाना सबौर कोई दिक्कत नहीं है, उधर तो था रोड अच्छा, बट पता नहीं कैसे फिर से रोड तो टूट गया, और ये रोड तो भाई ये तो कभी इतना साल हो गया बन ही नहीं पाया है, इसका भी जल्दी से भाई कर दे, ज़्यादा इस रोड पे ऐसे काम भी नहीं है, थोड़ा मोरा भरना एंड बस अलकतरा वाला जो रोड होता बन जाएगा, और इधर कोई गाड़ी वैसा हैवी आता भी नहीं, तो ये रोड बहुत दिन चलेगा। ये काफ़ी सही रोड है, लेकिन पहले ये आराम से बाईपास पाने के लिए, वरना उधर तो पूरा घूम के जाम में फंसते आने से बढ़िया भाई इस रोड से आ जाओ, तुरंत बाईपास पहुँच जाता है, बस ये रोड अच्छा बन जाए तो आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, रोड अच्छा बन जाए और भाई इस पर लग जाए स्ट्रीट लाइट।
बाईपास बनने का कोई फायदा ही नहीं भाई। देखो टूट फूट के क्या हाल हो गया बाईपास का, कोई रात में रहेगा तो भाई पक्का गिरेगा, ऐसा इस रोड का हाल हो गया। इसलिए बाइक वाले कार तो लगा कोई दिक्कत ही नहीं, लोग तो कहीं से भी खुद हाथ के निकाल लेंगे। भाई मेरा मुंह सूख चुका है बोलते बोलते। ये भाई काम अच्छा किया, यहाँ पे रोड ब्रेकर बना दिया ना, बहुत ज़रूरत था इसका। बट पॉइंट इज़ दैट इसको ना पेंट कर देना चाहिए रोड ब्रेकर को, जो होता है रिफ्लेक्टिव पेंट और मार्क वगैरह लगा देना चाहिए, क्योंकि भाई रात को दिखेगा नहीं। और भाई टू व्हीलर वाले को तो भाई जैसे उस वाले पे पेंट हो गया शायद, वैसे इस तरफ भी कर देना चाहिए पेंट। मेरे को लगता है एक बोतल पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई बोलते बोलते मुँह सूख गया मेरा इतना इतना दिन भी, और वहाँ तो अभी और बोलना है। एक ऐसे मेरे को थोड़ा सा हल्का सा कफ भी है। ताकि अभी सबसे बड़ा टास्क से शुरू में बात करना शूट के लिए, क्योंकि भाई अपन मेरे से बात करने में बनता नहीं, अपन है भाई एकदम इंट्रोवर्ट टाइप। क्या कितना भी कैमरा के पीछे बक बक कर ले भाई, लोगों के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता है। तो सबसे बड़ा टास्क है उनसे बात करना, मनाना अभी शूट के लिए। एंड द मेन पॉइंट इसकी भाई उनके वहाँ गाड़ी शूट करने का भी कंडीशन में हो कि नहीं, वो गाड़ी तो होंगे बट वो होता है कि ना कि एक तो पेट्रोल नहीं होता, चलो पेट्रोल नहीं वो भी बात एक टाइम पर मैनेज है, उसके अलावा होता है कि बैटरी का कनेक्शन नहीं किया होता, जैसे कि ना मीटर चल पाता है ना हेडलाइट्स चल पाते हैं, तो ये एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाता है मेरे लिए। और भाई अगर क्या बोलते हैं बाइक है तो एक टाइम का जो था जल्दी जल्दी हो भी जाता है कनेक्शन, बट वो स्कूटी वगैरह में तो और ज़्यादा मुश्किल होता है कनेक्शन करना, तो ये चीज़ होगा। मेरे को लगता है ऐसे एक आध पीस में ये तो कनेक्शन रखता होगा। एंड भाई यहाँ का शोरूम चूज़ करें, क्योंकि भाई यहाँ पे भीड़ नहीं रहता है एकदम, लोग यहाँ आते नहीं होंगे, तो आराम से इजली हम शूट कर सकते हैं, ना ज़्यादा हल्ला वल्ला रहेगा। एंड प्लस उधर जितना भी भागलपुर का जितना शोरूम है, जैसे वहाँ TVS का दो शोरूम है, एक तो उधर अलीगंज में, तो भाई उधर हम नहीं जा रहे अलीगंज वाला शोरूम में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, दूर भी पड़ जाता था, उधर ट्रक वगैरह का आ जाता है। एक मेन मार्केट में शोरूम है, अब तो भाई उनके पास गाड़ी ही नहीं रहता है ऐसा कि उसके पास शूट कर पाए, सिर्फ वो सारा स्कूटी रखता है, सिर्फ स्कूटी रखता है भाई वहाँ पर शूट करने लगे, अब वहाँ पर एकदम जगह ही नहीं है तो इसलिए वहाँ नहीं जा रहे। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्राउड भी कम होगा, मेरे को जहाँ तक याद है देखें यहाँ पे थोड़ा गाड़ी वगैरह भी है, नहीं अपाचे 162 भी है, 4 भी है, जुपिटर वगैरह भी होंगे यहाँ पे, तो इसलिए आए यहाँ पे। देखते हैं जितना ज़्यादा हो सके गाड़ी का शूट कर लेंगे अभी, और फाइनेंस वगैरह का भी बनाना है तो भी कर लेंगे। इधर तो शुरू इसी तरफ का, इधर का भी कोई रोड बनाओ यार, मेरा मेरे को लगता है ब्रेक पैडल फिर से हिलने लगा यार, मेरा फुट पे वो हो गया पता नहीं मेरे को, बस आजकल पता है रियर ब्रेक मारने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ब्रेक पैडल हिलता तो था उसको टाइट करा, लेकिन अभी मेरे को जूता मेरा स्लिप होता है यार, को लगता है जूता का ग्रिप खत्म हो गया जैसे जूता का ग्रिप खत्म हो गया, फुट पे का ग्रिप खत्म हो गया, फुट पे में तो ग्रिप दिख रहा है, जूता का ग्रिप लगता है मेरा खत्म हो गया, जूता चेंज करना पड़ेगा मेरे को। भाई ओ भाई ओ भाई बंदा ही मानना पड़ेगा। हाँ भाई और तेज और तेज और तेज भाई, 32-35 पे तो हम चल रहे हैं, ये कितना भी चल रहा होगा। वैसे बाय द वे सवार में ओला का भी शोरूम खुला है, एक ओला का तो मनाली में खुला ही, एक यहाँ पे भी खुला है, पता नहीं ओला वाले का क्या सीन है, शूट करने देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि मेरे को लगता है ओला एक ना प्रॉपर
नेटवर्किंग टाइप का कंपनी है, पूरा उसका परमिशन वगैरह सब ऊपर से होता है। मेरे को लगता नहीं है कि ओला शोरूम के अंदर शूट करने देंगे, तो बहुत ज़्यादा परमिशन वगैरह का सीन है। फिर भी एक बार बात करेंगे इन फ्यूचर यहाँ पे भी, अभी तो यहाँ पे फिलहाल TVS में बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे ओला का खुला है, पता नहीं इनके पास स्कूटी वगैरह है भी या नहीं, मेरे को दिखता तो नहीं है कि उसको ये रहा TVS का भाई, बस खुला हो, खुला हुआ रखकर भाई खुला तो है, लग तो रहा है खुला हुआ, वहाँ जगह TVS भाई एकदम खाली है। अब बाहर जाना, लेट्स सी यहाँ पे शूट कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पहुँच चुका शूट जया TVS पे और अब जा रहे घर। अपाच क्या नंबर? नहीं नंबर वो तो गूगल से निकाल लेंगे ना, गूगल पे तो वही ना नंबर होगा जो गूगल पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी यहाँ पे आए थे माँ जया पे शूट करने के लिए, और अपाचे 162V का यहाँ पे भी शूट किया है, फाइनेंस वगैरह किए, वॉक अराउंड किए, कुछ शॉर्ट्स वगैरह किए। तो अब चलते हैं घर, और ठंड अभी लगने वाला है, बहुत गंदा वाला है।